फ्रेंड्स, अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सिर्फ 5 मिनट में बिना गैस जलाए ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। बनाना बहुत आसान है। इस मिठाई को बनाने में ना तो दूध मलाई की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मावा चाशनी की। सिर्फ 5 मिनट में इंस्टेंट मिठाई बनकर तैयार होने वाली है। खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि इसे आप एक बार बनाकर खा लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई बनती है कि इसे आप किसी भी त्यौहार पर या गेस्ट के आ जाने पर या फिर आप जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बाउल लेना है, उसमें हम डाल देंगे आधी कटोरी घी। तो मैंने यहाँ सारा मेजर किया है एक कटोरी से, आप कप से भी कर सकते हैं। तो बस हमें यहाँ घी डालना है आधा कटोरी। तो आप देख सकते हैं घी की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा जमा हुआ चाहिए और ना ही ज़्यादा पिघला हुआ। तो अब इसमें हम डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इधर हम लेंगे एक छोटा सा जार, उसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी चीनी और फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 2 हरी इलायची। सभी को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये फाइन पाउडर बनकर तैयार है। इसे हम छन्नी से छान लेंगे। अगर आपके पास ऐसी छन्नी ना हो तो आप आटा छानने वाला छन्नी से भी छान सकते हैं। तो बस हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। तो हमने यहाँ 2 मिनट तक इसे लगातार मिक्स किया है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम की तरह है। तो बस हमें यहाँ थोड़े से अब कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करना है। तो ड्राई फ्रूट में हमने लिया है यहाँ काजू और बादाम। तो इसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो छोटे मिक्सी के जार में इसे दरदरा पीस सकते हैं। तो बस हमें यहाँ ऐड कर देना है। और हमने यहाँ 2 चम्मच दूध में केसर को भिगो कर रखा था, उसे भी हम ऐड कर देंगे। इससे लुक भी अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस हमें यह सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब हम इधर इसे एक साइड में रख देंगे और इधर हम लेंगे वही जार जो इसमें हमने चीनी को पीसा था। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी रोस्टेड चना है। इसका हमने छिलके को हटा कर लिया है, क्योंकि अगर छिलके लेंगे तो इसका जो लुक है वो आपका अच्छा नहीं आएगा। तो बस इसे छिलके को हटा लें, या फिर आप इसके जगह पर रोस्टेड चने की दाल ले सकते हैं, तो इससे भी अच्छी मिठाई बनती है। तो बस हमें यहाँ इसे अच्छे से पीस लेना है। तो ये फाइन पाउडर भी बन चुका है, तो अब इसे भी हम छान कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो थोड़े मोटे दाने रह गए होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से छान कर सभी को डालते जाएंगे मिक्सिंग बाउल में ही। तो ये हमने सभी पाउडर को डाल दिया है। इसे हमें अच्छे से छान लेना है। तो आप देख सकते हैं इसके जो छोटे छोटे दाने रह गए हैं उसे हम हटा लेंगे। तो ये हमने हटा दिया है। अब हम इधर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावे का टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। तब हम सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हमें सभी को मिला लेना है। मिलाकर हमें इसे अच्छा से एक डो तैयार करना है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मिलाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। अगर आपको इसके जगह पर थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इंस्टेंट खाना हो तो। अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इसे आप थोड़े से घी को पिघला कर डालें, तो इसे आपकी मिठाई लंबे दिनों तक अच्छी बनी रहेगी। तो जब ये अच्छे से डो के फॉर्म पर आ जाए तब हम इधर एक कंटेनर लेंगे, उसमें हम पेपर लगाएंगे, वाइट पेपर लगाएं या फिर बटर पेपर हो तो वो आप लगा लें। उसके ऊपर घी से अच्छे से ग्रीस कर लें। तो आप इसे ग्रीस कर सकते हैं हाथ से या फिर ब्रश से भी आप इसे अच्छे से ग्रीस कर सकते हैं। तो बस इसे ग्रीस करके सभी मिश्रण को अच्छे से हम इसे प्रेस करेंगे हाथों से। उसके बाद हम एक चम्मच से या पेचीला जो भी हो आप उसे अच्छे से दबाकर अच्छे से सेट कर लें। तो ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से दबाते हुए सेट कर लेना है। तो ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो इस तरह से हमने सभी को सेट करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये किनारे से
छूट रहा है, तो बस हमें इसे एक प्लेट ऊपर में रखकर इसे हम पलट देंगे। ऐसे हम टैप करके इसे हम निकाल लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आता है। पेपर लगाने से यही होता है कि बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो इसे हम पेपर को अब हम हटा लेंगे, ऐसे हम दोबारा पलट लेंगे। ऊपर वाले भाग को हम ऊपर ही रखेंगे, तो इस तरह से हम पलट देंगे और फिर ढक्कन को हटा लेंगे। ऐसे हम कट लगाएंगे, तो कट आप अपने अनुसार से लगा सकते हैं। आपको जिस तरह की शेप चाहिए आप उसे उसके अनुसार से आप उसमें कट लगा लें। तो आप यह कट लगा देने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार अगर बना लिए तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, ये इतने अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो ये लीजिए, मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट लगा लिया है। अब हम इसके एक पीस को लेंगे और इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे। तो मैंने इस मिठाई को ट्रायंगल का शेप दिया है। आप इसे स्क्वायर शेप में भी रख सकते हैं या फिर ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं। आपको जैसा भी पसंद हो आप अपने शेप के अनुसार से कट लगा लें और अपने अनुसार से इसे गार्निश भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़े से ऑरेंज फूड कलर लगाया है, काजू बादाम और थोड़े से केसर से मैंने इसे डेकोरेट किया है। तो आप इस मिठाई को अपने अनुसार से सजा सकते हैं। तो ये इंस्टेंट मिठाई बनकर तैयार है। तो मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। कम खर्चे में घर के ही सामानों से आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है इसकी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।